और अब बात करते हैं रीवा जिले के नई गढ़ी की, जहां एक ओर जबलपुर में हुई हृदय विदारक घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर नई गढ़ी नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत इंडियन गैस एजेंसी ऑफिस के सेकंड फ्लोर में अष्टभुजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर संचालित हो रहा है, जिससे गैस गोदाम भी लगा हुआ है। ऐसे में किसी वक्त भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। पूरे मामले पर बजरंग सेना सहित अलग अलग सामाजिक संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए जिला प्रशासन से तत्काल हॉस्पिटल को दूसरी जगह संचालित करने की मांग की है। वहीं पूरे मामले पर हॉस्पिटल प्रबंधन से बात की गई तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग सहित शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अपने आप से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर हमें लाइसेंस दिया गया है तब तो हम हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, इसमें लाइसेंस जारी करने वाले दोषी माने जाएंगे। वहीं पूरे मामले पर जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर के पाठक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी हम लिखित रूप से CHMO रीवा को भेज चुके हैं, जल्द ही हॉस्पिटल पर कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह होगा कि समय रहते शासन प्रशासन कोई एक्शन लेता है या फिर किसी ऐसी घटना का इंतजार करता है जिससे पूरा प्रदेश शर्मसार होता है और उसके बाद चंद रुपया मुआवजा का मरहम लगाकर मामले को शांत कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर में जो हादसा हुआ हॉस्पिटल का, और उसी को लेकर मैंने ये आप देख रहे हैं मास पूजा जो हॉस्पिटल खुला हुआ है इसके जस्ट बाजू में उसी के नीचे गैस एजेंसी है, जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने आदेश दिया है कि फायर का जो भी है उस पर ध्यान दिया जाए और यहाँ भी उस चीज़ का सावधान निकाला जाए, और ये चाहे कि हॉस्पिटल रखें या कि एजेंसी रखें। आपका कहना है कि गैस एजेंसी के ऊपर जो हॉस्पिटल संचालित की जा रही है कहीं ना कहीं आपको खतरा महसूस हो रहा है, जिस वजह से आप आपत्ति कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कई सैकड़ों मरीज इस हॉस्पिटल पे हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं इस पर नुकसान है मरीज के साथ, और इसको चाहे जो भी करें बंद करें, या आपको एक ही लेना है एजेंसी लें या कि आप हॉस्पिटल चलाएं। कहीं ना कहीं एजेंसी के संचालक दूसरे हैं और हॉस्पिटल के संचालक दूसरे हैं, ऐसे में आपकी क्या मांग है और अगला कदम आपका क्या होगा अगर हॉस्पिटल को समय रहते बंद नहीं किया जाएगा तो? हॉस्पिटल को बंद नहीं किया जाता है और एजेंसी संचालक जो भी निर्णय यदि नहीं लेते हैं तो हम लोग इस पर आगे लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। रीवा में भी कार्रवाई की गई है, पेट्रोल पंप के बगल में हॉस्पिटल संचालित थी, बैन किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रशासन की लापरवाही है। अगर कोई दिक्कत आती है तो सब कुछ पहले छान करके रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, ये प्रशासन की लापरवाही। अगर ये प्रशासन कल पहले जागरूक होता तो ये हादसा क्यों होते? आज हम लोगों को सूचनाएँ दी गई हैं, वो सूचना के आधार पर हम सारी जितनी कानूनी कार्रवाई है जो पेपर संबंधित दस्तावेज हैं हम सारे उनको मुहैया करवा रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है, आगजनी की घटना होती है तो इसके जवाबदार प्रशासन होंगे, आपका कहना है? नहीं, हमारा ये कहना नहीं है कि इसका प्रशासन होगा, हम खुद भी जिम्मेदार हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है, दोनों की जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर हम रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं प्रशासन तो अपने मन से तो हम लेके हॉस्पिटल बैठे नहीं हैं। हॉस्पिटल के संचालन हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने परमिशन बकायदा दी है, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं सब मुहैया कराए गए हैं। जिस हॉस्पिटल में आगजनी की घटना हुई है उसे भी परमिशन मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था, और इतनी मौतों का जिम्मेदार आज हॉस्पिटल प्रबंधन को ठहराया गया, जैसा कि आपने देखा होगा, और इस जगह पर हॉस्पिटल संचालित करना कितना उपयुक्त है? नहीं, उपयुक्त की और सर, नईगढ़ी में गैस एजेंसी के बिल्डिंग में हॉस्पिटल संचालित हो रही है, अष्टभुजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। अभी आपने जबलपुर की विभत्स घटना देखी है, इसके बाद रीवा में पेट्रोल पंप से लगी हॉस्पिटल पर प्रतिबंध लगाया गया है, नईगढ़ी में जिस प्रकार से हॉस्पिटल संचालित हो रही है किसी वक्त भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्या कहेंगे और किस प्रकार से इसमें कोर्स आप एक्शन लेंगे? चूँकि जो जबलपुर में घटना घटी है उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी जगह जांच शुरू कर दी है, हमें भी इसकी सूचना हुई है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है जो संचालन करने की परमिशन है वो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दिया गया है। इसकी जो सूचना है कि गैस एजेंसी के ऊपर, गैस बिल्डिंग के ऊपर वो संचालित है, इसके लिए हमने CMHO रीवा के लिए पत्र यहाँ से जारी कर दिया है और उनको भेज दिया है कि इसको भी संज्ञान में लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
नहीं, इसका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो तो रीवा से आती है और वो मुआयना करने के उपरांत ही किसी भी संस्था को लाइसेंस प्रदान करती है। ये जो घटना हुई है उसके उपरांत सब जगह ये देखा जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो इसकी सूचना भी हमने CMHO साहब को भेज दिया है कि ऐसी ऐसी जगह पे ये क्लिनिक संचालित है, इसके ऊपर भी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। सर आपका नाम और किस पद पर कार्यरत है? डॉक्टर आर के पाठक, प्रभारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। थैंक यू।